खंडहर में मिली सीमा की लाश मिलने के बाद पुलिस ने अपने आप को इस केस में झोंक दिया था और पुलिस का सारा शक इंस्पेक्टर धीरज के भाई राज पर था, इसलिए उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर शर्मा, इंस्पेक्टर धीरज और सब इंस्पेक्टर शुक्ला उससे ही पूछताछ कर रहे थे। राज ने सहमते हुए अपने भाई इंस्पेक्टर धीरज की तरफ देखा और बोला, भैया मैंने खून नहीं किया है, जब मैं वहां पहुंचा तो सीमा कहते हुए वो जोर जोर से सिसक पड़ा। राज, देखो ऐसे रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, धीरज ने उसका ढांढस बांधते हुए कहा। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ और शुरू से बताओ आखिर तुम शाम को 7 बजे वहाँ करने क्या गए थे। 7 बजे? नहीं भैया, मैं 7 बजे वहाँ नहीं गया था, मैं तो लगभग रात को 9 बजे वहाँ पहुँचा था, राज ने एकदम चौंक कर कहा। देखो राज, झूठ मत बोलो, टैक्सी ड्राइवर के बयान के मुताबिक उसने 7 बजे किसी लड़के को वहाँ खंडहरों में देखा था और जो थोड़ा बहुत हुलिया उसने बताया है उससे शुक्ला को शक है कि वो तुम हो, धीरज ने कहा। नहीं भैया, वो मैं नहीं था, मैंने और सीमा ने 7 बजे वहाँ मिलने का प्रोग्राम जरूर बनाया था, पर 7 बजे तो मैं वहाँ पहुँच ही नहीं पाया था। तुम सच कह रहे हो राज? आपकी कसम भैया। तो फिर वो लड़का कौन हो सकता है? धीरज ने कमिश्नर की तरफ देखकर कहा। ये पता लगाना तुम्हारा काम है इंस्पेक्टर, हमें जल्दी ही रिपोर्ट चाहिए, कमिश्नर ने धीरज से कहा। फिर वो राज की तरफ पलटा और पूछा, अच्छा राज, ये बताओ तुम वहां सीमा से क्यों मिलने वाले थे? सर वो, राज ने एक बार अपने भाई धीरज की तरफ देखा और नजरें झुकाकर बोला, वो मैंने और सीमा ने कल शाम को ये शहर छोड़ने का प्लान बनाया था। क्या? धीरज ने चौंक कर पूछा। पर क्यों, ऐसा क्या हो गया जो तुम दोनों घर छोड़कर जा रहे थे? भैया मैं और सीमा एक दूसरे से प्यार करते थे और हम इस प्यार की सारी हद पार कर चुके थे, सीमा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और हमारे पास घर छोड़कर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो राज, तुम होश में तो हो? वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी? भैया यही सच है, हमें लगा अगर ये सच किसी को पता चल गया तो हम किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, इसलिए हम दोनों ने घर छोड़ने का प्लान बनाया था। मैं तो सीमा से प्यार करता था, भला मैं उसे क्यों मारने लगा, कहकर राज फिर से सकने लगा। राज की बात सुनकर वो तीनों गहरी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर तक वहां गहरा सन्नाटा छाया रहा, फिर उस सन्नाटे को तोड़ते हुए धीरज ने कहा, राज तुम शुरू से बताओ वहां आखिर कल हुआ क्या था? भैया कल स्कूल से निकलने से पहले मैंने सीमा को शाम 7 बजे वहाँ खंडर में मिलने के लिए कहा था ताकि वहाँ से हम ये शहर छोड़कर जा सके। मैं उससे मिलने के लिए शाम को घर से निकल रहा था पर निकलते निकलते 6:30 बज गया, उस समय मैं बड़ी टेंशन में था, कहते हुए राज कहीं खो गया। उफ, 6:30 बजने वाले हैं, जल्दी करूँ कहीं लेट ना हो जाए, राज जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। उसने अलमारी से अपने जमा किए हुए पैसों वाला बैग निकाला और घर से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने अपनी बाइक निकाली और स्टार्ट की। अभी वो थोड़ी दूर ही चला होगा कि उसकी बाइक डगमगाने लगी। उफ, ये बाइक को क्या हो गया? उसने अपनी बाइक को साइड में रोका और देखा, ओ गॉड, ये तो पंक्चर है, अब मैं क्या करूं? राज बाइक को पैदल लेकर पंक्चर की दुकान देखने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक पंक्चर वाली दुकान नजर आई। वो अपनी बाइक को वहां पर लेकर गया और पंक्चर निकलवाने लगा। ओ गॉड, लेट हो गया, सीमा को फोन करके बोल देता हूँ कि वो डरे नहीं, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, सोचकर उसने अपना मोबाइल निकालना चाहा। ओह, मोबाइल तो घर पर ही छोड़ दिया था, सीमा को भी मना कर दिया था मोबाइल ना लाने के लिए, अब उसे कैसे इन्फॉर्म करूं, वो बुरी तरह से परेशान हो गया। अरे भैया जल्दी करो ना, इतना टाइम लगता है क्या एक पंक्चर बनाने में? राज अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए पंक्चर वाले पर गुस्सा होते हुए बोला, अरे कर ही तो रहे हैं ना, थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना, अगर जल्दी है तो खुद ही कर लो, पंक्चर वाला उससे बोला तो राज शांत हो गया पर बेचैनी से टहलने लगा। थोड़ी देर बाद पंक्चर वाला बोला, लो भैया हो गई आपकी बाइक तैयार, 50 रुपए दीजिए, ये लो, कहकर राज ने पंक्चर वाले को 50 रुपए दिए और घड़ी में टाइम देखते हुए बड़बड़ाया, उफ 7 तो यही बज गए हैं, न जाने वहां सीमा का अकेले क्या हाल हो रहा होगा, मुझे जल्दी करनी होगी, यह सोचकर उसने बाइक को तेजी से रेस दी और स्पीड में बाइक चलाने लगा।
वो बहुत घबराया हुआ था। अभी वो 2-3 किलोमीटर ही चला होगा कि उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। वो अपने विचारों में इतना खोया हुआ था कि तभी एक तेजी से चलती हुई कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही उसकी बाइक नीचे गिर गई। वो तुरंत खड़ा हुआ और अपने आप को संभाला। खुशकिस्मती से उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। अभी वो बाइक को स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी कार का ड्राइवर बाहर निकला और राज पर रौब जमाते हुए बोला, अबे दिखता नहीं, अंधा है क्या? और कोई वक्त होता तो राज उस कार वाले की वहीं जमकर धुनाई कर देता, पर वक्त की नजाकत को समझकर वो बोला, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। क्या माफ कर दूं, इतना नुकसान कर दिया मेरा, गाड़ी को हवाई जहाज बनाकर घूमते हो, तुम छोकरों को ना लाइसेंस देता कौन है? सर कहां ना गलती हो गई, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे अर्जेंट कहीं पहुंचना है, मैं लेट हो रहा हूं, प्लीज। राज हाथ जोड़कर बोला, क्या प्लीज, ये बताओ मेरा नुकसान कौन भरेगा? कारवाला गुस्से में बोला, सर आपका नुकसान मैं भर देता हूं, मुझे बता दीजिए आपका कितना नुकसान हुआ है, पर प्लीज मुझे जाने दीजिए। राज उस कार वाले के आगे लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, रईस बाप की बिगड़ी औलाद लगता है जो नुकसान भर देगा। वो कार वाला व्यंग भरे स्वर में बोला, सर बाप पर मत जाइए। राज को भी अब गुस्सा आ गया था। वैसे भी गलती सरासर आपकी थी, मैं तो अपनी लेन में चल रहा था, साइड रोड से तो आप अपनी गाड़ी को लेकर आए थे, अगर कोई और वक्त होता तो मैं तो क्या कर लेता बे तू। क्या हुआ भाई साहब? तभी वहां से गुजरते हुए एक आदमी ने कहा, देखो ना कल का लौंडा मुझे धमकी दे रहा है। उस कार वाले ने कहा, ऐसा ही है भाई साहब, आज कल के स्कूल कॉलेज के लौंडे ऐसे ही होते हैं, माँ बाप ने बाइक दिलाई नहीं कि अपने बाप की सड़क समझकर बाइक दौड़ा देते हैं। किसी और आदमी ने कहा, इसको तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। किसी तीसरे आदमी ने कहा। थोड़ी ही देर में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। राज को उन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, ओ माय गॉड, ये तो पीछे ही पड़ गए, अब मैं क्या करूं। तभी वहां पर भीड़ जमा देख ट्रैफिक हवलदार आ गया। क्या हो रहा है यहाँ पर, इतनी भीड़ काय को लगा रखी है? देखिए साहब, इस लड़के ने मेरी कार को टक्कर मार दी है। कार वाले ने कहा, क्यों बे, ये सच कह रहा है? ट्रैफिक हवलदार ने राज से पूछा। नहीं सर, मेरी कोई गलती नहीं है, राज ने कहा। लाइसेंस दिखा तेरा। सर लाइसेंस तो नहीं है। न जाने कितनी देर वो उनसे बहस करता रहा। आखिरकार किसी तरह जब वो वहां से फ्री हुआ तो उसने घड़ी में टाइम देखा। ओ माय गॉड, 9 बजने वाले हैं। सीमा का तो बुरा हाल हो रहा होगा, क्या वो अभी तक वहां होगी? कहीं वो वापस घर तो नहीं लौट गई? मुझे जाना तो होगा ही, जल्दी करो। सोचकर उसने बाइक को स्टार्ट किया और रेस दी। शुक्र था कि बाइक को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। जब वो खंडहर में पहुंचा तो वहां पर चांद की हल्की हल्की रोशनी छाई हुई थी और गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। एक पल को उसने सोचा शायद उसने आने में बहुत देर कर दी और उल्टे पांव वापस लौट चले, पर फिर भी उसने एक बार उस खंडहर का चक्कर लगाने की सोची। उसने सीमा को आवाज दी, सीमा तुम कहाँ हो? सीमा मेरी आवाज सुन रही हो ना? सॉरी यार, वो एक प्रॉब्लम में फंस गया था। सन्नाटे को चीरते हुए उसकी आवाज उस खंडहर में गूंज उठी, पर उसे कुछ भी जवाब नहीं मिला। वो सीमा की तलाश में उस खंडहर के हर कोने को देखने लगा। जब वो एक कमरे में पहुंचा तो चौंक गया। सामने चांद की रोशनी में उसे एक शरीर पड़ा हुआ नजर आया। वो डरते डरते उसके पास पहुंचा और उसको ध्यान से देखा तो मुंह से चीख निकल गई, सीमा! सामने सीमा की लाश थी, उसके पेट पे चाकू घुसा हुआ था। वो तुरंत उसके पास पहुंचा और चीखते हुए बोला, सीमा सीमा आंखें खोलो, सीमा देखो मैं आ गया हूं, प्लीज मुझे लेट होने की इतनी बड़ी सजा मत दो। उसका हाथ अपने आप उसके पेट में लगे हुए चाकू पर चला गया। उसने सीमा के पेट से जैसे ही चाकू बाहर निकाला, सीमा के पेट से निकली खून की धारा ने उसके कपड़ों को भिगो दिया। जैसे ही उसने अपने बदन पर सीमा का खून महसूस किया, उसे एकदम से होश आया। उसने तुरंत अपने हाथों से चाकू को वहां फेंका और खंडहर से बाहर आ गया। आगे की कहानी शो के अगले भाग